नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। लखीमपुर कोतवाली पलिया में एक ऐसा मामला प्रकाश में है जिसमें मानवता की हद पार होती नजर आई। एक युवक को खंभे में बाद में बैलगाड़ी के पीछे बांधकर जमकर पीटा गया। भीड़ उससे बेदर्दी से पीट रही थी और वह शख्स रो रहा था, चिल्ला रहा था और अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था। गंभीर बात यह है कि लोगों ने इसका वीडियो बनाना तो बेहतर समझा, लेकिन युवक को भीड़ के कब्जे से नहीं छुड़ाया। बाद में सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने किसी तरह युवक को भीड़ के कब्जे से मुक्त किया। इस मामले में पीड़ित युवक व दूसरी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। रूह कपकपा देने वाली है वारदात लखीमपुर खीरी पलिया कोतवाली के मोहल्ला इंदिरा नगर की है। वायरल वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक भीड़ महेश नामक युवक को बांधकर बेरहमी से पिटाई कर रही है। एक महिला ने भी लगातार उसकी पिटाई की। यह महिला गाली गलौज करते हुए महेश को बेल्ट से पीट रही है। बाद में उसको खड़ा कर उसके टांगों पर लठिया बरसाई जा रही हैं। पिटाई से बेहाल युवक खुद को बचाने के गुहार लगा रहा है। इस सिलसिले में महेश की मां की तरफ से कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इनमें ग्राम प्रधान भी शामिल है। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया है कि पैसे के लेन देन को लेकर कुछ लोगों ने महेश को अपने घर बुलाया और फिर उसके साथ यह मारपीट की। इंदिरा नगर कहाँ पड़ता है ये? पलिया। क्या मामला है आपका? हमारा महेश लड़का रियासत के घर पे आना जाना था, पैसे का मामला था। पैसे मांगने कहा उसने कि तुम शाम को आना, पैसे ले जाना। जब हमारे लड़का पैसे मांगने गया तो उसकी औरत डल्लम पे बंधवा के मारा और फिर प्रधान ने भी खूब मारा और फिर मार के खम्भे में बांध के बहुत मार रहे हैं। गांव के भी लोग सब खड़े हुए तो कह रहा है प्रधान मर जाने दो, इनका पंचनामा लिख दूंगा। और सब गांव के भी कह रहे थे तो प्रधान रामपाल प्रधान है कहाँ के हैं जे छोटी पलिया के हैं। और गांव के कहने लगे अरे जे लड़का रोज आता जाता है इसे क्यों मारे, छोड़ दो। तो कह रहा है नहीं इसको जो मारेंगे इसको मार के डाल देंगे। इसकी तहरीर कहीं दी आपने? हमारी तहरीर दी, हमारी सुनवाई नहीं है। क्या कह रहे हैं पुलिस? कहते नहीं जाओ, ये घर में घुसा है, ये है, वो झूठ साथ बता। वहीं कोतवाली इंस्पेक्टर ने बताया कि इस घटना में दोनों ही तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। दूसरे पक्ष का कहना है कि महेश एक घर में बदनीयती से कूद गया था जिस पर लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई की। इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों तरफ से ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लिहाजा मारपीट करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। लखीमपुर खीरी से संवाददाता अनूप राठौर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी है? ये जो मारपीट वाला आपका मामला हुआ, कैसे क्या हुआ कुछ जानकारी दें? पैसे लेने गए थे। किसके वहाँ पैसे लेने? फिर क्या हुआ? इसने शाम को बोला था, कहा था पैसे लेने आ जाना। दरवाजा खोली वो तुरंत हमारे डंडा मार दिया, हम गिर गए थे। और फिर प्रधान आ गया, प्रधान हमें डल्लम में बांध दिया था, फिर उसने मारा हमें बना, फिर थपली से मरवाया वहाँ खम्भे में, बिजली वाले खम्भे में बांध दिया। अभी तक इसकी तहरीर आपने पुलिस को दी? इसको हमने किया था दवाई, तो दवाई ववाई फ्री लगवा दिया था, मेडिकल करवाया। पुलिस ने FIR नहीं लिखी? इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आप फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।